प्रदेश भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए बदनावर विधानसभा के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का मंत्री बनने के बाद पीथमपुर में प्रथम नगर आगमन होने पर औद्योगिक क्षेत्र में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जगह जगह स्वागत मंच लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। वहीं दत्तीगांव के पुराने सहयोगी और कार्यकर्ताओं ने भी मंच लगाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री दत्तीगांव ने प्रीतिनगर में स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के चलते देश आर्थिक महामारी से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनने से देश को प्रेरित किया है, हमें अनुसरण करना है। वही पीथमपुर के विकास में स्थानीय निकाय के साथ मिलकर जल्द ही रूपरेखा तैयार की जाएगी और पीथमपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जो भी आवश्यकताएं होंगी, अभी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था, रास्ते में हम लोग देख रहे थे, जो भी आवश्यकता है, जो कमियां हैं, हम प्रयास करेंगे कि एक संयुक्त शरीर की राय लेके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके करेगी। अब सब जानते हैं कि कोरोना का समय 2-3 महीने बड़ा विकट समय रहा है और न सिर्फ पीथमपुर बल्कि पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है कि हम पुनः अपने पैरों पर खड़े हों, इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा भी दिया है और उन्होंने वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल की बात भी कही है। उस तहत पीथमपुर का विशेष महत्व न सिर्फ पीथमपुर के लिए, धार के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए हो जाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पे और मजबूती प्रदान करें। और वैसे भी धीरे धीरे पूरी वैश्विक व्यवस्था में चाइना का बाइकॉट सा हो रहा है, चाइना बॉर्डर पे भी हमारे देश की और जो उनकी खराब नीयत है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये समय अनुकूल है कि हम सब मिल के और पीथमपुर को ऊंचाइयों पे ले जाएं, जहाँ पे जाना चाहिए। हाँ, कठिन समय है, आर्थिक संकट है, तमाम तरह की हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियाँ जब होती हैं तो आदमी और मेहनत करता है और हिम्मत करता है। तो मेरा यही विश्वास है और मेरा आग्रह भी है सब लोगों से, इस समय हम सब मिलकर दलगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए।